हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, यहाँ आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी अगर आप हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, और अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से मौसम की ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपके मौसम की ताज़ा जानकारी हम दे सकें। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं, क्या रहेगा हरियाणा के मौसम का ताज़ा हाल। हरियाणा में फिर से गर्मी बढ़ी, लोगों का क्या बुरा हाल, ऐसे में AC से भी नहीं मिल रही है राहत, जाने आगे क्या रहेगा मौसम का ताज़ा हाल। जी हम आपको बता दें, भले ही सावन का महीना बीत गया मगर हरियाणा में अभी भी गर्मी चरम पर बनी हुई है। भाद्रपद की धूप त्वचा जला रही है। आलम यह है कि एक सप्ताह से कूलर AC भी दिन के वक्त सही से राहत नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि रात के समय गर्मी कम हो जाती है, वहीं मानसून को देखें तो हरियाणा में कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। मौजूदा समय में मानसून ब्रेक की स्थिति चल रही है जिसके कारण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हिसार में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले 29 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र व साथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मानसूनी हवा का सक्रियता बढ़ने से राज्य में 20 अगस्त से 23 अगस्त के दौरान राज्य के उत्तर व दक्षिण क्षेत्रों के ज्यादातर जिलों में बारिश हुई मगर राज्य के पश्चिम जिलों में बादलवाई व कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मानसून की टर्फ रेखा अब बीकानेर, भिवानी, दिल्ली, बरेली, गोरखपुर, दरभंगा, उत्तर पूर्व असम तक बनी हुई है, जिसका पश्चिमी छोर अगले 24 घंटों में हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ने की संभावना को देखते हुए राज्य में मानसूनी हवा थोड़ी कमजोर हो जाने से मानसून ब्रेक की स्थिति अगले 4 दिनों तक बनने की संभावना बन रही है। इस मौसम परिवर्तन से हरियाणा में 27 अगस्त यानी आज आमतौर पर मौसम परिवर्तनशील रहने व बीच बीच में आंशिक बादल व हल्की गति से पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से लेकर जुलाई और अगस्त पूरा कर रहा है। ऐसे में फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल में अधिक बारिश हुई है। वहीं अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर में अभी भी सामान्य से कम बारिश है। जी हाँ, ये थी हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा जानकारी। ऐसे ही हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा जानकारी पाने के लिए TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।